नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हलिया थाना क्षेत्र के बड़ी तिराहे पर शनिवार शाम को बतवार चौकी प्रभारी राम नगीना यादव, कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, दीपक यादव, विक्रम विशाल सिंह के साथ आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे कि बेदूर गांव निवासी एक युवक अपने घर पर चोरी कर दो बाइक रखा हुआ है और एक बाइक लेकर घर से हलिया बाजार की तरफ जाने वाला है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हुए सघन चेकिंग शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेदूर की तरफ से तेज गति से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर बाइक सवार हड़बड़ाकर बाइक को रोककर पीछे की तरफ मुड़ने लगा कि पुलिस वालों ने दौड़ाकर बाइक सवार को थरथर पूछा। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के बाइक के कागजात दिखाने के लिए कहा तो बाइक सवार कागजात नहीं दिखा सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने बाइक को चोरी करने की बात कबूल की और अपना नाम शिव नारायण मौर्य उर्फ बिन्नू निवासी बेदूर थाना क्षेत्र हलिया बताया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि प्रयागराज में पेंटिंग का काम करता हूं और मौका पाकर मोटरसाइकिल चोरी कर कम दाम में बेच देता हूं। यह मोटरसाइकिल मैंने जांच टाउन प्रयागराज से चोरी की है और चेकिंग के डर से भागने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि चोरी की गई एक मोटरसाइकिल घर पर खड़ी किया हूं। पुलिस बाइक चोरी के निशानदेही पर उसके घर पहुंचकर कपड़े से ढकी टीवीएस मोटरसाइकिल जिसका नंबर प्लेट खुरचा हुआ था बरामद कर बाइक चोर ने बताया कि यह मोटरसाइकिल लेबर चौराहे अल्लाहपुर प्रयागराज से चोरी किया था। दोनों मोटरसाइकिल बेचने के लिए घर ले आया था। पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर बाइक चोर शिव नारायण मौर्य उर्फ बिन्नू के विरुद्ध बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मिर्जापुर से संवाददाता वरुण श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।